अगर आप लोग टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस के आईपीओ के अंदर अप्लाई करने की सोच रहे हो तो बिल्कुल भी मत कीजिए। खैर मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रुद्र पटेल है, हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग फुल डिटेल के अंदर रिव्यू करने वाले हैं टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस के आईपीओ के बारे में। इस आईपीओ के अंदर मुझे थोड़ी बहुत गड़बड़ नज़र आ रही है, कंपनी के वैल्यूएशन के अंदर मुझे काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ नज़र आ रही है और कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल के अंदर मुझे एक बहुत ही बड़ी गड़बड़ नज़र आई है। तो इस हिसाब से मैं अपना ओपिनियन आपके सामने रखूँगा कि क्या आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए और नहीं करना चाहिए, इसके अंदर लिस्टिंग गेन वगैरह के लेकर क्या टारगेट्स है, क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या ये आईपीओ लिस्टिंग डे पर कितना रिटर्न दे सकता है, उसकी भी हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ हम लोग ये बात भी करेंगे कि इस कंपनी का लॉन्ग टर्म के अंदर फ्यूचर क्या है। अगर आप लोग इसके अंदर अप्लाई करते हैं, इस आईपीओ के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, तो क्या आपको लॉन्ग टर्म के लिए अपने शेयर्स को पकड़ कर रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, मैं सारी चीज़ों को लेकर अपना ओपिनियन आपके सामने रखूँगा। तो हम लोग चलते सीधे हमारे स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहले कंपनी का नाम आ जाता है यहाँ पर, टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस। फिर अगर हम लोग बात करें जाए इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो ओपनिंग डेट से यहाँ पर 10 अगस्त की, यहाँ पर क्लोजिंग डेट है 14 अगस्त को, यहाँ पर लॉट साइज है 74 शेयर्स का, यहाँ पर आईपीओ साइज है 600 करोड़ का। अगर प्राइस की बात करी जाए तो प्राइस में यहाँ पर 187 से लेकर 197 तक, यहाँ पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,000 का, मतलब करीब करीब 15,000 का ये आईपीओ है। इनकी लिस्टिंग जो है वो एनएससी और बीएससी दोनों के ऊपर होने वाली है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर बेसिस ऑफ अलॉटमेंट की, तो वो है 18 अगस्त को, यानी कि 18 अगस्त को आपको पता चल जाएगा कि क्या आपको आईपीओ लगा है कि नहीं लगा है। अगर हम लोग बात करें रिफंड की, तो वो 21 अगस्त को है। तो अगर आपको आईपीओ नहीं लगा होगा तो 21 अगस्त को आपको रिफंड मिल जाएगा। अगर बात करें क्रेडिट ऑफ शेयर्स की, तो यहाँ पर 22 तारीख को क्रेडिट ऑफ शेयर टू डीमेट अकाउंट, तो 22 तारीख को यहाँ पर शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट के अंदर आ जाएंगी। अगर हम बात करें लिस्टिंग डेट की, तो यहाँ पर है 23 अगस्त, यहाँ पर लिस्टिंग डेट है, तो यहाँ पर 23 अगस्त को देखने को रहेगा कि इस आईपीओ के अंदर हमें क्या कुछ देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूँ सब्सक्रिप्शन स्टेटस की, तो यहाँ पर जो है सब्सक्रिप्शन स्टेटस कुछ इस तरीके का नजर आ रहा है। क्यूआईबी का बहुत ही कम इंटरेस्ट है, यहाँ पर 0.08% जितना सब्सक्राइब हुआ है। अगर एनआईआई कैटेगरी की हम लोग बात करें, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, तो वहाँ पर 0.72% जितना यहाँ पर 0.72 टाइम्स जितना यहाँ पर आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल कैटेगरी के अंदर 1.8 टाइम्स जितना सब्सक्राइब हुआ है, टोटल 0.56 टाइम्स जितना यहाँ पर वो है सब्सक्राइब हुआ है। तो हाँ, अभी तो थोड़े बहुत दिन बाकी है, तो हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि सब्सक्रिप्शन स्टेटस खराब है, क्योंकि जैसे जैसे दिन जाएंगे वैसे वैसे धीरे धीरे यहाँ पर इनका सब्सक्रिप्शन स्टेटस जो है वो बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर उसका कोई इशू नहीं है। अगर हम लोग बात करें कि कंपनी एक्चुअली में कर क्या रही है, तो यहाँ पर ये लोग अपने सप्लाई चेन रिलेटेड काफ़ी सारे सॉल्यूशंस वगैरह प्रोवाइड कराते हैं। और पर्सनली मैं अगर कहूँ, मेरा ओपिनियन की बात करूँ, तो मुझे इस तरीके के बिज़नेस के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। अब हम लोग चलते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की ओर। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगा रेवेन्यू की बात करी जाए, तो यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर इनका कुछ रेवेन्यू था 6,933 करोड़ का, जो कि 2022 के अंदर बढ़कर हो गया 9,249 करोड़ का। वो यहाँ पर 2023 के अंदर लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर 10,235 करोड़ का हो चुका है। अगर एबिटा की बात करें, तो एबिटा भी यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। अगर प्रॉफिट की बात करी जाए, तो यहाँ पर सबसे बड़ा है दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ा झोल जो हमें नज़र आ रहा है वो प्रॉफिट के अंदर ही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनका 2021 के अंदर था -73 करोड़, यानी कि कंपनी 2021 के अंदर लॉस मेकिंग थी, इन्होंने 73 करोड़ का यहाँ पर जो है वो लॉस बुक करा है। अब अगर 22 की बात करी जाए, ईयर 2022 के अंदर इन लोगों का जो लॉस है वो 44 करोड़ का है, मतलब इन्होंने 44 करोड़ का यहाँ पर लॉस बुक करा है। पर पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर कंपनी प्रॉफिटेबल बनी और कंपनी ने प्रॉफिट बनाए 41 करोड़ का। तो यहाँ पर हमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यहीं पर यही आ जाता है कि कंपनी जब काफ़ी सालों से लॉस मेकिंग रही, जैसे ही प्रॉफिटेबल हो गई तुरंत ये लोग आईपीओ लेकर आ गए। तो सबसे बड़ा और सबसे पहला प्रॉब्लम ये। अगर कंपनी के एसेट्स और उन सब की बात करी जाए, तो एसेट के अंदर काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। 2021 के अंदर इनके एसेट 4,490 करोड़ के थे, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2022 के अंदर बढ़कर हो गए 55,789 करोड़ के। फाइनेंशियल ईयर 2023 के अंदर वो बढ़कर हो गए 6,210 करोड़ के। अगर हम लोग बात करें तो बोरोइंग की, तो जिस तरीके से एसेट बढ़े उसी की तरीके से साथ ही साथ यहाँ पर बोरोइंग भी बढ़ी है। 4,000 करोड़ से बढ़कर वो हो गई 5,000 करोड़। लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर उनकी बोरोइंग जो है वो 5,400 करोड़ तक पहुँच गई। तो मतलब कि बोरोइंग भी बढ़ रही है साथ ही साथ, तो ये भी एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज हो जाता है। तो हम लोग साथ ही साथ थोड़ी बहुत कंपनी की बात भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस प्रोवाइड्स सप्लाई चेन मैनेजमेंट सर्विसेज फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड लार्ज एंड मीडियम साइज्ड बिजनेसेस। तो यहाँ पर ये लोग जो है वो सप्लाई चेन वगैरह के सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराते हैं। टीवीएस SCS ऑफर्स इट्स सर्विसेज इन टू सेगमेंट्स, तो यहाँ पर ये लोग अपने दो अलग अलग सेगमेंट के अंदर सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन सॉल्यूशंस, यानी कि ISSCS एंड यहाँ पर नेटवर्क सॉल्यूशन, तो NS, तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पर मेनली ये लोग प्रोवाइड करा रहे हैं।
अब मैं इस आईपीओ को लेकर इतना ज़्यादा नेगेटिव हूँ, मैं आप लोगों को बात बात पर ये कह रहा हूँ कि भाई ये आईपीओ अच्छा नहीं है, आपको इससे दूर रहना चाहिए, तो इसके पीछे काफ़ी सारी वजह। मैंने बोला कि वैल्यूएशन के अंदर, कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल के अंदर तो इशू है ही, लेकिन जो वैल्यूएशन के इशू है वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ थोड़े बहुत की मैट्रिक्स के साथ। तो यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जो डेटा दिया गया उसके हिसाब से इस आईपीओ के अंदर इस कंपनी का पीई बन रहा है 189 का, यानी कि बहुत ही ज़्यादा पी है, यानी कि कंपनी काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। सबसे पहले तो ये लोग काफ़ी साल से लॉस मेकिंग थे, अब पिछले क्वार्टर के अंदर ये लोग, पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर कंपनी प्रॉफिटेबल बनी है, उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएशन के ऊपर ये लोग आईपीओ लेकर आए हैं। अगर आरओई की बात करी जाए तो बहुत ही कम आरओई है, यहाँ पर 5.50% जितना आरओई, आरओसी है 7.64%, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा खराब है। अगर ईपीएस की बात करी जाए तो 1 का ईपीएस है, यानी कि स्टॉक का प्राइस 197 रुपये और यहाँ पर अर्निंग पर शेयर जो है वो 1 रुपीज़ है, तो वो भी बहुत ही कम है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करी जाए तो वो भी बहुत ही कम है, वो भी 5.50% जितना है, तो ये भी एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर इशू है। तो बस यही कुछ बात थी आज की इस वीडियो के अंदर, मुझे आप लोगों को इस TVS सप्लाई चेन सॉल्यूशंस के आईपीओ के बारे में बताना था। अगर आप लोग यूट्यूब पर दूसरे भी क्रिएटर्स के वीडियो देखेंगे तो ज़्यादातर लोगों का यही कहना है, क्योंकि जो प्रैक्टिकल चीज़ है उसके अंदर कोई भी बदलाव नहीं ला सकता है, पर अपनी बात रखने की कोशिश करिए। मुझे आईपीओ के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम नज़र आ रहे हैं, तो आप भी एक बार ज़रूर से डिटेल के अंदर एनालिसिस कीजिए, और आप कभी भी आईपीओ अप्लाई करें या तो फिर आप किसी भी स्टॉक को खरीदें तो अपने सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र या तो फिर रिसर्च एनालिस्ट की सलाह ज़रूर से लें। मैं बस ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज के लिए बना रहा हूँ, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।